क्रिएटिव क्रिएशंस पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिजाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने ये तीन कलर लिए हैं। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। ये डोरमेट हम 26 फंदों से बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई में ब्लैक कलर से 26 फंदे डाल लेते हैं। एक साइड हम थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और अब इसे हम सिलाई में बांध लेते हैं। ये हमने एक फंदा डाल लिया है। अब इस तरह से हमें सिलाई में फंदे डालने हैं। ये हमने दो फंदे डाल लिए हैं। तो इसी तरह से हम सिलाई में 26 फंदे डाल लेते हैं। अगर आप डोरमेट बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फंदे ज्यादा ले सकते हैं। इसी तरह से हम सिलाई में 26 फंदे डाल लेते हैं। ये हमने सिलाई में 26 फंदे डाल लिए हैं ब्लैक धागे से। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा हमें बढ़ाना है। धागे को हम सिलाई पर इस तरह से लपेट कर लाएंगे और ये फंदा हम बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम ये फंदे बुनेंगे। इस डोरमेट को बनाने में हम तीन कलर का यूज कर रहे हैं। कलर आपके पास जो भी हो या फिर जो भी कलर आपको पसंद हो उन कलर्स का आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये डोरमेट डिजाइन पुरानी साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पुरानी साड़ियों से डोरमेट बनाने के लिए आप 6 नंबर सिलाई का यूज करें। पुरानी साड़ियों से 26 फंदों से आप ये डोरमेट डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे तो मीडियम साइज का ये डोरमेट बनकर तैयार होगा और पूरा बनने के बाद में डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ तक इसे बुन लिया है और यहाँ पर ये ब्लैक कलर के दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाई के पीछे आगे की तरफ कर लेंगे और इस साइड से ये ब्लैक कलर के सारे फंदे हम बुन लेते हैं सीधे सीधे ही। ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से धागे को सिलाई पर लपेट कर लाएंगे और ये फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर के एक फंदे से दो फंदे बना लिए हैं और अब यहाँ से हम ग्रे कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से ये दूसरा कलर अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ से 9 फंदे हमें ग्रे से बनाने हैं। एक फंदा हमने बना लिया है, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और ही नौ। 9 फंदे हमने ग्रे से बना लिए हैं और अब यहां से हम ब्लू कलर अटैच करेंगे। अब यहां से हम ब्लू कलर से ये फंदे बुनेंगे। देखिए यहाँ तक हमने ये ब्लू कलर से बुन लिए हैं फंदे। तो पहले हमने ब्लैक कलर के ये दो फंदे हमने बिना बुने छोड़े थे, इस बार हम ब्लैक कलर के ये दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से ब्लू फंदे हम ब्लू धागे से बुनेंगे, ग्रे फंदे ग्रे धागे से और ये दो बॉर्डर के ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। तो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के धागे से हमें बुनना है।
ये हमने ब्लू फंदे बुन लिए हैं। अब ब्लू धागे को पीछे की तरफ कर देंगे और ग्रे को इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। इसे खींच के हल्का सा टाइट कर देते हैं यहाँ से धागे को, और अब यहाँ से हम ग्रे कलर के फंदे बुन लेते हैं। ये हमने ग्रे फंदे बुन लिए हैं। अब ग्रे को पीछे कर देंगे और ब्लैक को इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ से बॉर्डर के ये दो ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे तो उसी तरह से सिलाई पर धागे को लपेट कर लाएंगे और ये फंदा बुनेंगे। तो ये हमने ब्लैक कलर के दो फंदे बुन लिए हैं। अब ये वाला फंदा ब्लैक कलर का हम ग्रे धागे से बुन लेते हैं। अब यहां से ये ग्रे फंदे हम ग्रे धागे से बुनेंगे और ब्लू फंदे हम ब्लू धागे से बुनेंगे। इस बार हम ब्लू कलर के ये दो फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुन लेना है। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इसी तरह से हमें हर बार इस साइड एक एक फंदा हमें बढ़ाना है और इस साइड दो दो फंदे हमें छोड़ते जाना है बिना बुने। तो दो दो फंदे हमने तीन बार छोड़ दिए हैं, तो इसी तरह से हम चार बार और इस साइड दो दो फंदे बिना बुने छोड़ देते हैं और इस साइड हम चार फंदे और बढ़ा लेते हैं। देखिए हमने इसे यहाँ तक बना लिया है और इस साइड हमने दो दो फंदे सात बार छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर ये एक दो तीन चार पाँच छ सात, दो दो फंदे सात बार छोड़ दिए हैं और इस साइड हमने सात फंदे बढ़ा लिए हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे हमारे यह साइड बढ़ गए हैं और यहाँ पर ये बीच में जो फंदे बच गए हैं इनको हमने अभी तक नहीं छोड़ा है, तो इनको दो दो फंदे करते हुए हम अब छोड़ेंगे। तो हम बता देते हैं इससे आगे आपको किस तरह से बुनना है। अब देखिए यहाँ से हम डोरमेट की बाउंड्री वाली साइड से हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं, जितने फंदे हैं उतने ही हमें बुनने हैं। तो ब्लैक कलर के यहाँ पर जो दो फंदे हैं इनको हम बुन लेते हैं ब्लैक धागे से ही। तो यहाँ से ये ब्लैक कलर के हम दो फंदे हमने बुन लिए हैं और अब यहाँ से ब्लैक को हम इस तरह से दबा लेते हैं और ग्रे धागे से हमें बुनना है। इस बार हम ये दो फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे। इसे हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हम बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, तो इसी तरह से हम फिर से यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे और इस बार ये ब्लू कलर का एक फंदा और ग्रे कलर का एक फंदा, ये दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें इस साइड दो दो फंदे हमें पांच बार और छोड़ने हैं। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है, तो हमने यहाँ पर पांच बार और दो दो फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं बिना बुने हुए। तो अब यहाँ पर टोटल हमने दो दो फंदे तेरह बार छोड़ दिए हैं। तो देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह,
तेरह दो 26, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमने 26 फंदे लिए थे वो हमने दो दो फंदे करते हुए सारे फंदे हमने छोड़ दिए हैं, और इस साइड ये 1 2 3 4 5 6 7 सात फंदे हमारे पास ये बढ़े हुए फंदे हैं, जो कि हमने यहाँ पर सात फंदे हमने बढ़ाए थे। तो ये हमारी डोरमेट की आधी गली बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम आगे की आधी डिजाइन बनाकर स्टार्ट करेंगे इस गली की। तो देखिए हमें किस तरह से बुनना है ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर के दो फंदे तो हम ब्लैक धागे से ही बुनेंगे, क्योंकि बॉर्डर के दो फंदे हम ब्लैक से बना रहे हैं। दो फंदे हमने बुन लिए, ये 3 4 5 6 और ये 7 बढ़े हुए सात फंदे बुन लिए हैं। तो इस बार हम ये छोड़े हुए दो फंदे हम बुन लेंगे। हर बार इस साइड से दो दो फंदे हम बुनते जाएंगे, इस बार ये दो फंदे हम बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं, और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेते हैं। तो ये ग्रे फंदे हम बुन लेते हैं ग्रे धागे से ही। और ब्लैक कलर के ये दो फंदे हम ब्लैक धागे से बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इसी तरह से हमें पांच बार और बुनना है, इस साइड से बुनते जाएंगे और इस बार हम ये दो फंदे बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हम बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस साइड से दो दो फंदे बुनते जाना है। तो इसी तरह से हम पांच बार और यहां से बुन लेंगे। तो यहां तक हमें सारे फंदे बुनने हैं। तो यहां से ये दो दो फंदे पांच बार बुनेंगे, तो यहां तक हम इसे बुन लेंगे। तो इतना बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 दो दो फंदे हमारे पास सात बार यहां पर बच गए हैं। तो अब हमें ये दो दो फंदे हमें बुनने हैं। तो अब देखिए यहां पर हमने सात फंदे जो बढ़ाए थे इस साइड, वो सात फंदे हमें यहां पर अब घटाने हैं। तो हर बार हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो इस बार एक फंदा घटा लेते हैं, ब्लैक कलर के दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। तो दो फंदों का हम एक फंदा बना लेते हैं, एक फंदा कम हो गया है। अब यहाँ पर ग्रे एक फंदा हम ब्लैक बना लेते हैं। तो दो फंदे हमारे पास फिर से ब्लैक हो गए हैं। अब यहाँ से हम ग्रे धागे से बुनेंगे, क्योंकि बॉर्डर के हमारे दो फंदे ब्लैक चलते आ रहे हैं। ग्रे फंदे हम ग्रे धागे से बना लेंगे और ब्लू फंदे हम ब्लू धागे से बना लेते हैं। और इस बार हम ये दो फंदे यहां से बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं, और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इसी तरह से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा कम हो जाएगा। एक फंदा ग्रे का हम ब्लैक बना लेते हैं और फिर से यहाँ से हम ग्रे धागे से बुनेंगे। तो इसी तरह से हमें बुनते जाना है और इस बार यहाँ से ये दो फंदे हम बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम ब्लू कलर के यहाँ तक ये सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है, ब्लू कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं और ब्लैक कलर के यहाँ पर ये दो दो फंदे हमारे पास दो बार बच गए हैं, यानी कि चार फंदे हमारे पास बचे हैं। तो अब देखिए यहाँ से आगे किस तरह से बनाना है ये हम आपको बता देते हैं। फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा घट गया है। अब यहाँ से ये सारे फंदे हमें ब्लैक धागे से ही बुनने हैं। इस बार हम ब्लैक कलर के ये दो फंदे बुन लेते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं। और ये डोरमेट का सीधा साइड है, इस साइड से सारे फंदे हम ब्लैक धागे से ही बुन लेते हैं।
तो देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम एक बार और इसी तरह से बुनेंगे ब्लैक धागे से ही, और इस बार हम ये दो फंदे बुन लेंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। फिर से सारे ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से ही बुन लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से एक बार और इसे बुन लिया है और ये हमारी डोरमेट की एक कली बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास सिलाई में फिर से ब्लैक कलर से 26 फंदे आ गए हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये कली बनाना स्टार्ट करी थी तो सिलाई में हमने ब्लैक धागे से 26 फंदे डालकर ये कली हमने बनाकर तैयार करी है। तो फिर से हमारे पास सिलाई में 26 फंदे आ गए हैं ब्लैक कलर से। तो यहाँ से दूसरी कली बना लेंगे और इसी तरह से हम तीसरी, चौथी और सारी कलियां बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से सिलाई में से फंदे उतार कर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा ये डोरमेट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप ये डोरमेट डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं और पूरा बनने के बाद में ये डोरमेट डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।